वालेकुम शेख मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है मैं इंडिया में रहता हूँ इस वक्त तो सऊदी में जॉब करता हूँ मेरा सवाल यह है शेख कि सही बुखारी की एक हदीस है रफेल यादेन जिसके रावी अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह हैं एक एक साहब फरमाते हैं कि यही सहाबी फरमाते हैं कि मुस्नद अबी अवाना में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मक्का में करते थे और हिजरत के बाद मदीना में छोड़ दिया था क्या सही है क्या गलत है इसकी वजह खैर ये हमारे एक भाई हैं मोहम्मद अब्दुल्ला सऊदी अरब से सवाल कर रहे हैं इनका कहना यह है कि सही बुखारी में हदीस अब्दुल्ला इबिनुम रजल्ला तौन की कि नमाज़ में रफुदिन करना चाहिए और एक मकाम पर अब्दुल्ल अबिनुम रही की हदीस ये है कि उन्होंने नमाज़ पढ़ के लोगों को बाकायदा बताया तो उन्होंने नमाज के शुरू में रफोदन किया तकबीर तहरीमा के वक्त और रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त और इसी तरह से दूसरी रकत के बाद जब खड़े हुए तो तो ये चार जगह हैं जहाँ पे बिन उमर रजी ने तफादिन किया और आखिर में रवायत के अल्फाज ये हैं कि व वरफा इन नबी वसल्लम की बिन उमर रजी ने नबी का हवाला दिया कि अल्लाह के नबी वसल्लम भी ऐसे ही नमाज़ पढ़ते थे तो इस हदीस के हवाले से भाई साहब को किसी ने बताया है कि अवाना में ऐसी कोई रवायत है कि पहले रफुलद्दन करते थे और बाद में हिजरत के बाद यह रफुलद्दन छोड़ दिया गया था तो पूछ रहे हैं कि इसकी क्या हकीकत है तो देखिए मुस्ंद अबी अवाना में जहाँ तक मेरी मालूम है ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है अब अगर आपने कहीं पे पढ़ी है तो आप उस सफ़े का स्कैन हमको भेजें वो सफ़ा भेजें स्कैन भेजें कौन से नुस्खे में ऐसी कोई रवायत है मेरी मालूम में इस किताब में ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है किसी और किताब में हो सकते लेकिन इस किताब में ऐसी कोई रवायत मौजूद नहीं है इसलिए अगर आपको यकीन है कि ये इस किताब में है तो उस किताब का वो सफा आप हमारे पास भेजें जिसमें ऐसी कोई रवायत मौजूद है उसके बाद हम गौर करते हैं कि कौन सा नुस्खा है जहाँ से आप इसका हवाला दे रहे हैं हमने जहाँ तक तो पढ़ा है इस किताब का यह चैप्टर वहाँ पर तो हमें ऐसी कोई रवायत नहीं मिली अलबत् इस किताब को कुछ लोगों ने छापा है उसमें तहरीफ की है एक दूसरी रवायत में तो उसमें रफोदन करने की बात है उसमें रफोद ना करने की बात कर दी है वो चीज़ है उसमें लेकिन वो मुहर्रफ है उसमें तहरीफ कर दी गई लेकिन ये बात तो नहीं है जो आप कह रहे हैं कि पहले रफोदन करते थे बाद में जब हिजरत करके आए तो रफोदन छोड़ दिया गया ऐसा कुछ भी नहीं है वरना इस हदीस का मफहम तो ये है कि रफोदन मनसूख हो चुका है यानी पहले करते थे और बाद में मनसूख हो चुका है जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है इस किताब में ऐसी कोई रवायत नहीं है और इस किताब के अलावा भी किसी भी किताब में ऐसी कोई सही रवायत मौजूद नहीं है सही सनत से ऐसी रवायत मौजूद नहीं है कि पहले रफुलदैन किया जाता था और बाद में मनसूख हो गया बल्कि सही बुखारी की जिस रवायत की तरफ आपने इशारा किया है उमर की और उस रवायत में क्या है कि अब्दुल्ल बिन उमर रजी अल्लाह रजल्हन वफ़ात रसूल के बाद लोगों को नमाज सिखा रहे हैं और रफुलद्देन करके बता रहे हैं आप जरा गौर कीजिए सही बुखारी की यही रवायत काफ़ी है यह बताने के लिए कि रफुल्दैन मनसूख नहीं है क्योंकि अगर एक काम मनसूख हो गया था तो अब्दुल्ल बिन उमर रजी रजील तु उसे क्यों सिखा रहे थे जो मनसूख है उसे सिखाने की ज़रूरत क्या है तो ये अब्दुल्ल अबिन उमर रजो जो इस हदीस के रावी हैं उनकी नज़र में ये मनसूख नहीं ये मनसूख होता तो वफात रसूल के बाद लोगों को ये तालीम ना देते रफुल रफोल्देन पढ़ के नहीं बताते ये नहीं सिखाते तो ये खुद इस बात की दलील है कि रफ़ द्देन मनसूख नहीं है और ये बात जहन में रखें कि शरीयत का कोई भी हुक्म साबित हो गया सही सनत से तो बाई डिफ़ॉल्ट वो महकम होता है वो हमेशा के लिए होता है बाई डिफ़ॉल्ट आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि यह मनसूख हो गया सिर्फ रफ़ रफुलदैन का मसला नहीं है बल्कि ज़्यादा दूर ना जाए रफोदैन ही की मिसाल ले लें रफुल्दैन ले में तकबीर तहरीमा के वक्त भी रफोल द्देन आता है तो तकबीर तहरीमा का रफुल देन जिस रवायत के अंदर है उसी रवायत में बाद के तीन रफुल देन का भी जिक्र मिलता है जिन रवायतों में आता है तकबीर तहरीमा के वक्त रफुल देन करने की बात उन्हीं रवायतों में तकबीर तहरीमा के बाद रुकू से पहले रुकू के बाद भी रफुल देन का तस्करा मिलता है एक ही रवायत में दोनों चीज़ें हैं अब आप कहते हैं कि यह चीज़ मनसूख हो गई थी तो ये बताइए कि रफुल देन जो शुरू का रफुल देन है तकबीर तहरीमा का क्या वह भी मनसूख हो चुका है आपने जो ये रवायत का हवाला पेश किया ये रवायत तो हमको नहीं मिल सकी इस किताब में हो सकता है किसी और किताब में हो तो उसका हवाला आप दें जैसा कि मैंने आपको तलब किया है लेकिन ऐसी अगर कोई रवायत है जो आपका साथी है जो मान रहा है उस पर अकीदा रख रहा है कि ऐसी कोई रिवायत सही है तो उसे पूछिए कि वो जो फर्स्ट रफुल्दैन है तकबीर तहरीमा वाला वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर ऐसी कोई रवायत मौजूद है कि बाद में छोड़ दिया गया तो तो छोड़ना है तो सब छोड़ दो भाई ये कौन सी बात हुई कि पहला रफुलुद्दीन लेकर बैठे रहोगे और जो बाद के रफुल्दैन है उसे आप छोड़ दोगे तो मनसुख है तो सब मनसुख है और नहीं मनसूख है तो सब पे अमल होना चाहिए तो एक ही रवायत में जब कई रफुलदेन मौजूद है तो अगर आप मनसूख कहते हैं सब छोड़ दीजिए वरना ये कि पहला रफोल दैन पकड़ के बैठेंगे बाकी छोड़ देंगे तो ये तो इंसाफ की बात नहीं हुई मैं आपको ये समझा रहा था कि जो भी हुक्म होता है वो बाई डिफ़ॉल्ट हमेशा के लिए होता है जैसे पहला रसुल्देन है तो पहला रफुलदेन हर कोई करता है हालांकि पहले रफोदन के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है कि पहला रफोजन अल्लाह की रस्म करते थे मक्का में करते थे मदीना में करते थे हर नमाज में करते थे ता हयात करते थे ऐसा कुछ भी नहीं है रवायत के अंदर यह अमल नकल किया गया कि आप ये करते थे लेकिन आप के हवाले से वो चीज़ आ गई है अब वो हर नमाज के लिए है हमेशा के लिए है बाई डिफ़ॉल्ट उूली बात है अब आपको अलग से कोई दलील ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें ता की सराहत हो ये हो वरना अगर तायात की सराहत अगर आप मांगते हैं तो सिर्फ बात के रफोजन के लिए क्यों मांगते हैं भाई तकबीर तहरीमा वाले रफोदिन के लिए आप आपायात की शर्त क्यों नहीं मानते इसलिए क्योंकि तो बाई जो हुक्म साबित हो जाए तो हमेशा के लिए होता है इसीलिए तकबीर तहरीमा में आप हयात नहीं मानते बल्कि नमाज के और जो पार्ट है नमाज में हाथ बांधना है आप हाथ बांधते हैं आप ये नहीं कहते हैं कि हदीस में यह भी बताओ कि आखिरी उम्र तक भी आप हाथ बांधते रहे इसलिए हाथ छोड़ दो तो। ऐसा कुछ भी नहीं और ऐसा ही सजदा है रुकू है पूरी नमाज का मसला ये यानी तकबीर से लेकर तस्लीम तक अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक पूरी नमाज का मसला यही है कि आपसे सल्लम से जो अमल एक बार हमको मिल गया वो हमारे लिए हुज्जत है तो ये मनसूख वग़ैरह की बात करना ये बेदलील बात करना ये यहबिल कबुल नहीं है अगर कोई नासिक साबित नहीं कर सकता है तो वो चीज़ हमेशा के लिए हो जाएगी जैसे पहला दिन होता है तकबीर तहरीमों वाला जो रसुल्दिन है उसको कोई मनसूख नहीं मानता है तो बाद का जो रफुल्दिन है उसे भी मनसूख मानने की कोई वजह नहीं है सब मानना चाहिए अच्छा यहाँ पर कोई यह भी कह सकता है कि भाई अगर आपको रफुल्देन ही करना है तो चलो ठीक है आपने तकबीर तहरीमा वाला दिन कर लिया ठीक है आपने रुकू वाला दिन भी कर लिया लेकिन कुछ हदीसों में सजदे में भी दिन का जिक्र मिलता है तो उसे आप क्यों नहीं कर रहे उस पर आप अमल क्यों नहीं कर रहे तो देखिए उसकी वजह यह कि सजदे में दिन साबित नहीं है अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम से सही सनद से उसका सबूत मौजूद नहीं है इसलिए हम वो नहीं करते सही सनत से साबित हो जाए रफुल दैन करने में कोई मसला नहीं तकबीर तहरीमा के वक्त साबित है इसमें उम्मत में किसी का अख्तलाफ़ नहीं साबित है हम करते हैं रुकू वाला रफुलदैन भी साबित है इसमें इसके सबूत में कोई इख्लाफ नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है बुखारी वगैरह की रवायत है इसके सबूत में कोई इख्तलाफ़ नहीं इख्लाफ कहाँ है कि ये मनसूख हुआ था कि नहीं अल्लाह के नबी ने छोड़ा था कि नहीं ये जैसा कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो ये कहने के लिए आपको सबूत देना पड़ेगा नासिक सही नासिक पेश करना पड़ेगा अगर सही नासिक पेश नहीं कर सके तो आपसे सम से जो सबूत मिल रहा है वो खुद इस बात की दलील हो जाएगा कि उसे हमेशा के लिए करना है यहां पर हमारे कुछ भाई बहुत ही अजीब गरीब गलत फहमी में डालते हैं और लोगों को गलत रुख पे ले आते हैं वो ये कहते हैं कि रफुलद्दीन करने वाले से कहते हैं कि आप दिखाओ किसी हदीस में कि लिखा हो कि ता हयात रफुल्दीन करते थे इसको अब क्या कहें इसको कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अरे भाई आपका ये दावा है कि नबी असलम ने बाद में छोड़ दिया था तो आप दिखाओ ना कि आप ने छोड़ दिया था आप अगर दिखा नहीं सके छोड़ना नासिक नहीं दिखा सके तो ये जो हुक्म है सबूत का ये बाई डिफॉल्ट खुद इस बात की दलील होगा कि हमेशा के लिए उसको करना है तो दलील आपको देना चाहिए था कि किस रवायत में लिखा है कि आपने छोड़ दिया नहीं छोड़ा तो कंटिन्यू रहेगा आप अपनी मर्जी से नहीं कह सकते कि नहीं जो तायात नहीं मिल रहा तो इसको छोड़ देने का वरना आप सब चीज़ छोड़ दो पूरी नमाजी पढ़ना बंद कर दो हर चीज़ छोड़ दो कि भाई हर जितना नमाज रोज़ा जिसके बारे में जो भी अकामात है सबके बारे में कहो कि नहीं ताहता है, ता है, ता है, ता है का ही करेगा भाई तो अगर ये सबूत नहीं मिलता है कि बाद में ये हुक्म चेंज हो गया बदल गया तो फिर वो हुक्म हमेशा के लिए है क़्यामत तक के लिए उसे आप मनसूख नहीं कर सकते हो बहरहाल ये तो साबित है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफुल्देन किया है इब्न अब्दुल्ल इबिन की हदीस से और भी कई सहाबा साबिक्राम की हदीस है तो ये चीज़ साबित है यह मुसलम मुतफ़ अल है अब इसके खिलाफ जो बात कही जाती है कि मनसूख हो गया छोड़ दिया गया तर्क कर दिया गया ये सारी बातें बेबुनियाद हैं इनमें से किसी बात का सबूत नहीं है इसलिए रफुल्दीन करना चाहिए जैसे तकबीर तहरीमा में रफदन करते हैं ऐसे बात के रफदन पे भी अमल करना चाहिए इसमें बंटवारा नहीं करना चाहिए उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें